हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट एनएफसी के बारे में, नॉर्थ ईस्ट एनएफसी के प्लेयर पार्थिव गोई के बारे में, ओगबेचे के बारे में और साथ ही साथ इद्रिस अजी से रिलेटेड भी एक अपडेट है। तो इन तीनों अपडेट के बारे में बात करेंगे। ओगबेचे से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ऐसा ही मज़ेदार अपडेट मिलते रहता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं इद्रिस शादी के बारे में। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया था कि इद्रिस शादी जो है नॉर्थ ईस्ट एनएफसी में आ गए हैं, उनका डील जो है एकदम डन हो चुका है। और मैं ही नहीं बल्कि सारे यूट्यूबर उनका मतलब कंफर्म अपडेट दे दिया था और कंफर्म अपडेट भी आ रहा था कि मतलब नॉर्थ ईस्ट ने साइन कर लिया है इद्रिस शादी को, ऐसा मतलब अपडेट भी आ रहा था। लेकिन भाई बाद में नॉर्थ ईस्ट एनएफसी ने मतलब ओगबेचे पे इंटरेस्ट दिखाया और नेस्टर एलबीएस को साइन किया। उसके बाद पता चला कि इद्रिस शादी का जो अपडेट था वो एकदम फेक था। इद्रिस शादी से रिलेटेड रूमर आ रहा था नॉर्थ ईस्ट एनएफसी की तरफ से, लेकिन इद्रिस शादी को नॉर्थ ईस्ट एनएफसी ने साइन नहीं किया था। तो ये भी हमने आपको बता दिया था कि इद्रिस शादी को नॉर्थ ईस्ट एनएफसी ने साइन नहीं किया है, ये फेक अपडेट था। तो अभी इद्रिस शादी से रिलेटेड ये अपडेट आ रहा है कि जो इद्रिस शादी है गाइस, वो एक न्यू क्लब में ज्वाइन हो चुका है। आप लोग फोटो स्क्रीन पे देख सकते हो और उनका प्रोफाइल के भी स्क्रीन पे देख सकते हो, वो जो है एक न्यू क्लब में ज्वाइन हो चुका है और उनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुका है एक वीक पहले। तो इसका अपडेट भी मैंने आपको दे दिया था, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग अभी भी समझ रहे हैं कि मतलब इद्रिस शादी को नॉर्थ ईस्ट एनएफसी साइन करेंगे या फिर मतलब साइन कर लिया है। तो ऐसा नहीं है, इद्रिस शादी जो है न्यू क्लब में ज्वाइन हो चुका है, इद्रिस शादी नॉर्थ ईस्ट में नहीं आने वाला है और नॉर्थ ईस्ट ने साइन भी नहीं किया इद्रिस शादी को। तो अभी इद्रिस शादी के बाद ओगबेचे को लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया था कि ओगबेचे को लेकर नॉर्थ ईस्ट एनएफसी जो है बातचीत कर रहा है और 94% जो है ओगबेचे का कंफर्म हो चुका है डील, मतलब 94% चांस है कि मतलब वो नॉर्थ ईस्ट एनएफसी में आ सकते हैं, ऐसा हमने आपको अपडेट दे दिया था। मतलब गूगल की तरफ से 94% है कि मतलब ओगबेचे नॉर्थ ईस्ट एनएफसी में आ गए। अभी ओगबेचे से रिलेटेड गाइस एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, गूगल के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट एनएफसी ने जो है गाइस ओगबेचे का डील डन कर लिया है। आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हो, इधर लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट एनएफसी ने जो है ओगबेचे को एकदम कंफर्मली साइन कर लिया है, डील जो है एकदम डन हो चुका है, ऐसा मतलब गूगल की तरफ से अपडेट आ रहा है, मतलब गूगल ऐसा बोल रहा है। तो ओगबेचे नॉर्थ ईस्ट एनएफसी में आए हैं ऐसा इसका तो कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन गूगल में मतलब ये लिखा आ रहा है कि ओगबेचे को मतलब नॉर्थ ईस्ट ने जो है साइन कर लिया है, डील डन हो चुका है, लेकिन इसका कोई अपडेट नहीं आ रहा है। कोई भी फैन पेजेस या फिर मतलब इंस्टाग्राम पेज से ये अपडेट नहीं आ रहा है। मार्कस मार्कलासन ने भी इसका मतलब कोई अपडेट नहीं दिया कि ओगबेचे जो है नॉर्थ ईस्ट एनएफसी में आ गए, उनका डील डन हो चुका है, मतलब बस गूगल की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। तो इस अपडेट को हम फेक भी नहीं कह सकते, रियल भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई अभी नॉर्थ ईस्ट ने एक स्ट्राइकर को पहले ही साइन कर लिया है और उसके बाद फिर नेस्टर एलबीएस को साइन कर लिया है। नेस्टर एलबीएस का पोजीशन तो मतलब सेकंड स्ट्राइकर है, वो लेफ्ट विंगर और राइट विंगर के पोजीशन में भी खेल सकता है, लेकिन भाई उसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट एनएफसी एक स्ट्राइकर को साइन कर सकता है। तो भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि मतलब ओगबेचे को साइन कर सकता है, मैं भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब ओगबेचे को नॉर्थ ईस्ट एनएफसी चाहे तो साइन कर सकता है। गूगल तो ये बता रहा है कि डील एकदम डन हो चुका है, लेकिन भाई मैं आपको बताता हूँ मतलब इसका कोई कन्फर्म अपडेट नहीं है, ओगबेचे नॉर्थ ईस्ट में आए इसका कोई कन्फर्म अपडेट नहीं है। और अभी भी गूगल ये बता रहा है कि 94% जो है डील डन हो चुका है ओगबेचे का। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इधर साफ साफ लिखा है 94% डील जो है मतलब ओगबेचे का डन हो चुका है, ऐसा मतलब गूगल अभी भी बोल रहा है। लेकिन सच क्या है, नॉर्थ ईस्ट एनएफसी ने इनको साइन किया है कि नहीं, इसके बारे में तो मतलब हमें भी नहीं पता। अगर पता चल जाएगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि ओगबेचे को लेके मतलब रूमर चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट ने अभी तक साइन नहीं किया ओगबेचे को, आप ऐसा मान के चलो। अभी तो बहुत सारे लोगों को ओगबेचे के बारे में पता नहीं है, इसलिए आइए ओगबेचे के बारे में थोड़ा बातचीत भी कर लेते हैं। तो ओगबेचे ने जो है गाइस अपना आईएसएल करियर स्टार्ट किया था नॉर्थ ईस्ट एनएफसी से, और नॉर्थ ईस्ट के बाद वो केरला ब्लास्टर में चले गए थे। केरला ब्लास्टर से वो मतलब लोन डील पे मुंबई सिटी एफसी में भी खेल चुके हैं, और मुंबई सिटी के बाद वो हैदराबाद एफसी में गए थे। तो ओगबेचे के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, एज उनका थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन भाई एक दो साल आराम से खेल सकेंगे। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी खेला है, केरला ब्लास्टर के जैसे टीमों में भी खेल चुके हैं, मुंबई सिटी के जैसे टीमों में भी खेल चुके हैं और हैदराबाद के जैसे टीमों में भी खेल चुके हैं, और इसके साथ साथ वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। और उसके साथ साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेरिस सीजी के टीम में भी ये खेल चुका है। पेरिस सीजी गाइस एक बहुत ही खतरनाक टीम है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक टीम है, इनके टीम में भी खेल चुके हैं हमारा ओगबेचे। तो ओगबेचे जो है गाइस नाइजेरिया से बिलोंग करते हैं, 38 इनका एज हो गया है, सेंटर फॉरवर्ड इनका मेन पोजिशन है, और गाइस ये गाइस दो बार आईएसएल भी जीत चुके हैं, एक बार मतलब हैदराबाद एफसी के साथ और दूसरे बार मुंबई सिटी एफसी के साथ, और उसके साथ साथ आईएसएल शील्ड भी जीत चुके हैं मतलब मुंबई सिटी एफसी के साथ।
मतलब भाई ओगबेचे काफ़ी अच्छे प्लेयर है। पिछले सीजन मतलब उनको थोड़ा इंजरी हो गए थे, लेकिन भाई अभी फिट है पूरा। नॉर्थ ईस्ट एफसी चाहे तो भाई साइन कर सकते हैं, भाई बंदा अभी फॉर्म में है। तो नॉर्थ ईस्ट एफसी लाए तो भाई नॉर्थ ईस्ट को भी फ़ायदा होगा। लेकिन भाई इसका कन्फर्म अपडेट तो नहीं है, गूगल तो ये बता रहे कि डील डन हो गया है, लेकिन भाई इसका कोई कन्फर्म अपडेट नहीं है। मैं आपको इसका कन्फर्म अपडेट नहीं दे रहा हूँ, फिर भी भाई देखते हैं 4-5 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि ओगबेचे आ रहा है कि नहीं, इसका कन्फर्म अपडेट पता चल जाएगा। तो ओगबेचे को छोड़ के अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है पार्थिव गोगोई से रिलेटेड। तो दोस्तों अभी नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जो है अपने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट किया, जिसमें वो मतलब पार्थिव गोगोई को कुछ मतलब सवाल पूछ रहे हैं एसएमएस में। और पार्थिव गोगोई से जो है उनके तीनों गोल्स के बारे में पूछा गया था। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट गोल तो भाई रॉकस्टार जेल के वजह से उन्होंने किया है, मतलब रॉकस्टार जेल ने शॉट लिया था लेकिन गोलकीपर ने सेव किया। उसके बाद फिर पार्थिव गोगोई ने धीरे से शॉट लगे उसको गोल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट गोल के बारे में मतलब उन्होंने, तो उसके बाद दूसरा गोल वो गनी निगम की वजह से कर पाए, क्योंकि मतलब गनी निगम ने उनको मतलब पास किया था और धोरा से, और वो धोरा से पुश करके मतलब उसको गोल में दाग दिया था। उसके बाद तीसरा गोल में जीथिन एमएस और रोमेन फिलिबर्टुक्स ने उनका मदद किया था, उन्होंने खुद बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब फैंस, बहुत सारे फैंस आए थे सपोर्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट को। और उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब 12 तारीख को एफसी गोवा के अगेंस्ट मैच है, उसमें भी बहुत सारे फैंस जाए और मतलब उनको सपोर्ट करें, नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट करें। और पार्थिव गोगोई जो है नेक्स्ट मैच के लिए तैयारी कर रहा है, ऐसा मतलब खुद पार्थिव गोगोई ने बोला है। तो इसका भी मैंने आपको अपडेट दे दिया है। तो बस आज का यही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हर छोटे मोटे अपडेट मिलते रहता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।